बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक्स। माई सेल्फ शिवाना मुमताज़। अवर सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गन सिस्टम्स एंड होम्योस्टेसिस। द टर्म होम्योस्टेसिस रेफर्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडीज स्टेट टू मेंटेन और रेगुलेट अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशंस। एनिमल्स बॉडी की वो एबिलिटी जो एनिमल बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन रखती है, कॉन्स्टेंट रखती है। मीन्स के बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो ऑलवेज सेम रहता है, एक सा रहता है, चाहे बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा भी हो, बहुत हॉट हो या कोल्ड हो। बट एनिमल्स बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा सेम रखने की, कॉन्स्टेंट रखने की ट्राई करती है। जैसे कि मैमल्स में, मैमल्स बॉडी का टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस से 39 सेल्सियस है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा भी हो एनिमल बॉडी ट्राई करती है कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो जो एनिमल बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि सेम रहता है और बॉडी मेंटेन रखने की ट्राई करती रहती है इंटरनल इन्वायरमेंट को, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये सिस्टम प्रोटेक्शन देता है इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन से। जो भी हार्म होता है उस हार्म से इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन वाइड रेंज पर होती है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कि हॉट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी वाला होता है, हमेशा एक सा नहीं रहता, तो ये वाइड रेंज फ्लक्चुएशंस है। और जो एनिमल्स बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज नैरो चेंज होता है, और सेलुलर लेवल पर चेंज एक्सट्रीमली नैरो होता है, बहुत ही कम रेंज में होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वाटर कंसंट्रेशन, पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड टिश्यूज़, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये सब एनिमल बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट हैं। इनमें किसी भी एक फैक्टर का कम या ज़्यादा होना ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होता है। होम्योस्टेसिस इज़ रेगुलेटेड बाय थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म एंड दे आर ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वाटर एंड सॉल्यूट्स के लेवल को मेंटेन करके रखना, रेगुलेट करके रखना बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर बात की जाए बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर लॉस डिहाइड्रेशन का बायस बनता है। सोडियम या पोटाशियम में, सोडियम की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो बीपी इंक्रीज़ होगा, पोटाशियम का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए तो हार्ट फंक्शन में इरेगुलरिटीज़ आएंगी, तो ये सब किडनीज़ बैलेंस करती हैं। थर्मोरेगुलेशन इज़ अ होम्योस्टेटिक प्रोसेस दैट मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस। थर्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, इंटीग्रमेंट्री सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, ये सब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। एनिमल बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस बेस्ड एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल का एक्सक्रीट होना ही बेनिफिशियल होता है। इन वेस्ट का बॉडी में एक लेवल से ज़्यादा होना हार्मफुल होता है। एंड दिस इज़ द प्राइमरली कैरिड आउट बाय द लंग्स, स्किन एंड चीफ ऑर्गन किडनी। किडनीज आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। होम्योस्टेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच चेंज इन सम पैरामीटर्स आर रिवर्स बैक टू नॉर्मल सेट पॉइंट एंड टू मेंटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस प्रोसेस कंट्रोल कैसे हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हो रहा है? होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड बाय नेगेटिव फीडबैक लूप, इसे हम होम्योस्टेटिक कंट्रोल भी कह सकते हैं। होम्योस्टेसिस नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल हो रहा है। होम्योस्टेसिस बॉडी में बहुत सी कंडीशंस मेंटेन हो रही होती हैं, रेगुलेट हो रही होती हैं। हर इंटरनल कंडीशन की फिजियोलॉजिकल लिमिट्स होती हैं, एक सेट पॉइंट होता है। जैसे कि टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस चेंज को अगेन रिवर्स लेके आना अपने सेट पॉइंट पे, सेट लिमिट पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके आना नेगेटिव फीडबैक है। होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स थ्री पार्ट्स और थ्री मैकेनिज्म्स, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं? As the name suggests, is that part of a homeostatic system that receives informations regarding the status of the body. किसी भी stimulus को receptors के through receive किया जाता है। Receptors sensory organs हैं। Receptors detect करते हैं, detector होते हैं, किसी भी stimulus को detect करते हैं, recognized करते हैं।
ये सेल्स या टिश्यू किसी भी शेप में हो सकते हैं। कंट्रोल सेंटर या कंट्रोलर, कंट्रोल सेंटर में ब्रेन हो सकता है, एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं, कंट्रोल सेंटर प्रोसेसर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, कंट्रोल सेंटर में रिसेप्टर्स के सेंट स्ट्यूमुलस प्रोसेस होते हैं। द कंट्रोल सेंटर प्रोसेस स्ट्यूमुलाई सेंट बाय रिसेप्टर्स और फिर ये इफेक्टर्स की तरफ भेजेगा। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट एट द सेट पॉइंट और इज़ आउट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। इफेक्टर्स क्या हैं? इफेक्टर्स वो टिश्यूज़ या ग्लैंड हो सकते हैं या ऑर्गन्स या मसल्स जो स्ट्यूमुलस के अकॉर्डिंग सेट पॉइंट पर रिवर्स बैक लेके आते हैं किसी भी इंटरनल कंडीशन के आइडियल वैल्यू पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे लेके आते हैं। नाउ द मेन टॉपिक इज़ ऑर्गन सिस्टम एंड होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस में कैसे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स अपना रोल प्ले करते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। होम्योस्टेसिस में बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम्स आर इंक्लूडेड इक्वली, जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनिमल बॉडी का हेड है जो कि कमांड देता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। नर्वस सिस्टम में सेंसरी सिस्टम होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं डेविएशंस को, स्ट्यूमुलस को। द हाइपोथैलेमस इज़ अ स्मॉल एरिया इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है जो कि हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस इज़ द सेक्शन ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स थर्मोरेगुलेशन। हाइपोथैलेमस मेन रोल प्ले करता है टू कीप द बॉडी इन होम्योस्टेसिस। हाइपोथैलेमस वर्क्स बिटवीन एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स और ऑर्गन का एक नेटवर्क है जो बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइपोथैलेमस सिग्नल रिसीव करता है कि इंटरनल टेम्परेचर इज़ टू हाई, इट विल कमांड द बॉडी टू स्वेट। और अगर हाइपोथैलेमस मैसेज रिसीव करता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ टू कोल्ड, द बॉडी विल प्रोड्यूस इट्स ओन हीट बाय शिवरिंग। ट्यूगमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द लंग्स आर द मेन ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये फैसिलिटेट करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। द रोल ऑफ लंग्स इन होम्योस्टेसिस इज टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन सेल्स के फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। जब कोई एनिमल ब्रीथ इन करता है तो ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट एल्वोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और जब एनिमल ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में डिफ्यूज़ हो जाती है और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। यूरिनरी सिस्टम्स फंक्शन इज़ टू फिल्टर ब्लड एंड क्रिएट यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। द किडनीज आर एसेंशियल फॉर क्लिनजिंग द ब्लड एंड एलिमिनेटिंग यूरिन वेस्ट फ्राम द बॉडी। किडनीज इन्वॉल्व होती हैं वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन में, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं। लंग्स के साथ साथ किडनीज बॉडी में पीएच की रेगुलेशन के लिए मेन ऑर्गन हैं। एनिमल्स का अपना स्पेसिफिक पीएच लेवल होता है और एनिमल्स का पीएच लेवल उनकी स्पीशीज़ और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। किडनीज टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं, हार्मोन्स की सिंथेसिस करती हैं लाइक एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाए तो ये बोन मैरो सेल्स में सेल के डिवीजन को प्रमोट करते हैं ताकि आरबीसीज ज़्यादा हो सके, ताकि बॉडी में ऑक्सीजन को रेगुलेट किया जा सके। रेनिन एंजाइम की सिंथेसिस करता है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। स्किन इज़ इन्वॉल्व इन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। स्किन इज़ अ ह्यूज ऑर्गन विच प्लेज अ ग्रेट रोल एज अ मल्टी फंक्शनल बैरियर बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट मेंटेन्स प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, गवर्निंग और रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन सब्सटेंसेस। स्किन में ब्लड की इम्यून सप्लाई टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। स्किन इज़ इन्वॉल्व इन थर्मोरेगुलेशन, हेल्पिंग टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी ओवरहीटेड होती है तो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जो एवेपोरेट्स होकर बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। कन्वर्जली जब बॉडी टेम्परेचर टू कोल्ड होता है तो स्किन में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और पोटाशियम। स्किन के सबिशियस ग्लैंड से सीबम ऑयल का एक्सक्रीट होना प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लीवर इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इन्वॉल्व्ड इन एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। लीवर प्लेज
नियरली एवरी सिस्टम इन द बॉडी। लीवर इज़ द क्लीनिंग हाउस ऑफ बॉडी, सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है, किडनी को सपोर्ट देता है ताकि डिस्पोज किया जा सके जितना भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कि किडनी के थ्रू रिमूव होता है। लीवर बाइल की सिंथेसिस करता है जिसका फंक्शन फैट की इमल्सिफिकेशन करना है। फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन करना बाइल का फंक्शन है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, जिन्हें फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। लीवर लिपिड और कोलेस्ट्रॉल बनाता है, सिंथेसिस करता है जो कि ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन करता है। सेल्स की रिसाइकिलिंग भी लीवर का फंक्शन है। लीवर ग्लाइकोजन को आयरन को स्टोर करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। आरबीसीज सर्कुलेटरी सिस्टम होम्योस्टेसिस स्टेबल रखता है, बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, CO2, वेस्ट मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।